बेदार मुकद्दर वालों को तकदीरें सजदा करती हैं, बेदार मुकद्दर वालों को तकदीरें सजदा करती हैं। और मिलादुन नबी का दिन आया, मिलादुन नबी का दिन आया, तौहीद का परचम लहराया। ए सल्ले अला बुतखानों में तस्बीरें सजदा करती हैं, ए सल्ले अला बुतखानों में तस्बीरें सजदा करती हैं। आइए हजरात, सबसे पहले गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका और मौला की बारगाह में सबसे पहले दुरूद पाक की डाले निछावर करें। बड़े बाबा ज़बलंद अल्लाह व रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम, कितना दम है आपके अंदर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजु शरिया, फैजाने ताजु शरिया, फैजाने ताजु शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप सभी हजरात एक बार दुरूद पाक का नजराना पेश करें। बड़े बावाज़े बुलंद अल्लाह सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम सलातु व सलाम अलैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हजरात सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने जहां खुद सारी दुनिया को रहमतों से नवाजा है और अपने मानने वालों को भी रहमत का दर्ज दिया है, यही वजह है कि उनकी रहमत का दायरा कमी से वसी तर है। सालेकिन इस्लाम के दिलों में जो रहमत व मुरवत का मजा है और उनके रहमत और करम का जो जलवा है वो इन्हीं का सदका है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रहमत का क्या कहना, किसी को गुलामी से आजादी मिल रही है तो किसी को ईमान की दौलत मिल रही है, तो किसी को तख्तो ताज का मालिक बनाया जा रहा है, तो किसी को जन्नत में जाने की खुशखबरी दी जा रही है, तो किसी को बागे फिरदौस के आला मंजर में अपने साथ रहने का वादा किया जा रहा है। और नबी कोने की एक निगाह ने मक्के की सरजमीन पर चलते फिरते मुर्दों को जिंदा किया है। सिर्फ जिंदगी ही नहीं बख्शी, हजरत फारूक आजम को जलालत, हजरत सिद्दीक अकबर को सदाकत, हजरत उस्मान गनी को सहावत, हजरत अली
अली को शुजाअत और तमाम सहाबा इकराम को सदाकत व इमामत का ऐसा नमूना बना दिया है कि जिसकी मिसाल दुनिया पेश नहीं कर सकती। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खानाए काबा का तवाफ कर रहे थे कि अचानक देखते हैं खानाए काबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर की जानिब झुक जाता है। इसीलिए इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी ने क्या खूब फरमाया, तेरी आमद थी के बेतुल्लाह मजरे को झुका, तेरी आमद थी के बेतुल्लाह मजरे को झुका, तेरी हैबत थी के हर बुत थरथरा कर गिर गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोचने लगे दीवारें रेसा रेसा हो जाएगी, ईंटें टूट जाएगी, गरीबी का आलम है, किस तरह काबे की तामीर की जाएगी। अभी तो काबा खड़ा था, अचानक काबा झुके से गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा से बाहर आते हैं कि एक लौंडी से मुलाकात होती है। लौंडी ने कहा, आज हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर पोता पैदा हुआ है, कसम खुदा की मुसलमानों। यह सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इरशाद फरमाया, ए मक्का वालों, सुल्ले काबा गिरा नहीं था बल्कि काबा सजदे में झुका था। मेरा पोता मोहम्मद आर्मी की विलादत व शहादत की खुशी में आला हजरत क्या खूब फरमाते हैं, आजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, आजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत दारुल उलूम सईदिया अरबिया अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Our Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam born on 8 June 570 AD in Makkah city. His father name was Abdullah radiallahu ta'ala anhu and mother name was Amina radiallahu ta'ala anha, and his community is Qurayshi tribe in Bani Hashmi group. We celebrate his birthday born in Rabiul Awwal, many weeks he prayer lonely of Allah Pak. Then Hazrat Jibril alayhi salam came and he ordered the Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam read the Quran Sharif. After this event, our Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam on Quran Sharif revealed his first follower, his wife Khadija bin Khailat radiallahu ta'ala anha. After his request, protest into Hijrat means travel Makkah to Medina year 622. After 630, Battle of Badr, Battle of Ahad, Battle of Khaybar and surrounding the Medina, Hindu Trade of Hudaybiyah established sovereignty on Makkah. Then he set systematic governance and spread the Islam first Arabian state and all afterward. His viladat on 8 June 632 and his last word Ar-Rafiq Al-Ala. His English translation, Hey Allah, great friend and topper. According to a hadith, a small event between my Nabi and moon. At present, world has reached the moon and dreamed to settle there. But 1300 years ago, my Nabi stayed on earth. The moon was broken in two pieces with his finger. Chand ko thoda ajeeb baat ka mere aqa ka. चांद को थोड़ा अजीब वक्त है मेरे आका का, कोई समझ नहीं पाता, कोई भुला नहीं पाता। सच इज द पर्सनालिटी ऑफ माय नबी, व्हाट ए थिंग समवन। मिलती है अभी निशानियां चांद के टूटने की, मिलती है अभी निशानियां चांद के टूटने की, मिटाने से भी कैसे मिटेगी दिलों से हमारे शख्सियत मेरे आका की। इस शेर के साथ दावत, दाना दाना मेरे हुसैन का है, दाना दाना मेरे हुसैन का है, अचल के बोले सुभान अल्लाह, दाना दाना मेरे हुसैन का है, कुल घराना मेरे हुसैन का है, और जिनके सदके में कायनात बनी, जिनके सदके में कायनात बनी, ऐसा दाना मेरे हुसैन का है, ऐसा दाना मेरे हुसैन का है। अब माइक पर एक छोटा सा बच्चा आपके सामने रूबरू है। My dear friend, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Now I tell you about Roza told in Quran Sharif. As-Sawmu Imadud Deen. Roza is a sutoon of deen. According to Islamic philosophy, Roza is a part of Arkan-e-Islam. Arkan-e-Islam is bedrock of Islam. It is based on Islam. All Islamic view depends on Arkan-e-Islam. All Arkan-e-Islam is seen worship of Allah Pak, but Roza is a hide worship of Allah Pak. According to Quran Sharif, and Roza is a door of Jannat. This door name Baba Rayyan. According to Hadith, Roza is a morning Sadiq to evening Maghrib without one grain and one drop water worship of Allah Pak. Roza testify on the day of Qiyamah. He my multiple Lord. I stop this man on day, time, heat and other wishes. Again my testimony, favor is this person. According to Quran Sharif, in part Surat al-Baqr, ayat number 183, yani Quran Sharif ki Surat al-Baqr mein Allah Ta'ala ne irshad farmaya, Ya ayyuhal ladheena amanu kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba alal ladheena min qablikum भेजा है वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते या उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया मेरे आका दार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर आलम हर जान के लिए रहमत है, वो सिर्फ इंसानों के लिए रहमत नहीं बल्कि वो हैवानों के लिए भी रहमत है, नवजात जमादात के लिए भी रहमत है, फरिश्तों के लिए भी रहमत है, जिनों के लिए भी रहमत है, मुसलमानों के लिए भी रहमत है, सारी कायनात के लिए रहमत है। वमा अरसलना इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है, वो अपनों के लिए रहमत, दूसरों के लिए रहमत, दोस्तों के लिए रहमत, फरिश्तों के लिए रहमत, औरतों के लिए रहमत, मर्दों के लिए रहमत, बच्चों के लिए रहमत, जवानों के लिए रहमत, बूढ़ों के लिए रहमत, यतीमों के लिए रहमत, मुजलमों के लिए रहमत, बेवाओं के लिए रहमत, बेकसों के लिए रहमत, बेबसों के लिए रहमत, फिर इंसान के आदमे के लिए रहमत, गोरों के लिए रहमत, कालों के लिए रहमत, सरमायादारों के लिए रहमत, मजदूरों के लिए रहमत, मशरिक वालों के लिए रहमत, मगरिब वालों के लिए रहमत, सारी कायनात के लिए रहमत है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। खुदा ताला की रबूबी कहते भाई हुजूर की रहमत है, खुदा जिस चीज़ का रब है मुस्तफा जान रहमत उस चीज़ के लिए रहमत है। मेरे आका सिर्फ अपने गुलामियों के लिए रहमत नहीं, अपने अपने फरिश्तों के लिए भी रहमत है, वो सिर्फ इंसानों के लिए रहमत नहीं काफिरों के लिए भी रहमत है। तारीख उस अंत पर शाहिद है कि काफिरों ने आपको बेहद तकलीफ पहुँचाई, मगर मुस्तफा जान रहमत ने तभी भी उनके लिए दुआ न फरमाई बल्कि हमेशा उनकी हिदायत के लिए दुआ फरमाते रहे। यहाँ पर गौर करने का मकाम यह है कि हुजूर ताजदार मदीना सिर्फ अपने दुश्मनों पर इस तरह रहमत करम की बारिश बरसा सकते हैं, तो अपने गुलामों पर इस कदर रहमत शम्मत की बारिश बरसाते होंगे। दुरूद पाक पढ़े पढ़े बावज बुलंद अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व तस्लीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राजान मिल्लत, हमारी जिंदगी, हमारी बंदगी, हमारी तिजारत, हमारी जिरात, हमारी उजात, हमारी मकसद सब पे सब हुजूर अहमद आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ दो दुफेन में है, बल्कि हमारा ईमान है कि हमें जो कुछ मिला है और जो कुछ मिलेगा हुजूर ही के सदके में मिला है और उन्हीं के सदके में मिलेगा। उसी खजाने रहमत से मिला है, जिस खजाने रहमत में कोई कमी नहीं है। किस बात की कमी है आका तेरी गली में, किस बात की कमी है आका तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उकबा तेरी गली में। सुभान अल्लाह माशा तुम जलो या मर जाओ, माशा हम खुशी मनाएंगे
तुम जलो या मर जाओ, हम खुशी मनाएंगे, तुम जलो या मर जाओ, हम खुशी मनाएंगे, तुम जलो या मर जाओ, हम खुशी मनाएंगे, तुम जलो या मर जाओ, नात गुल गुनाएंगे, तुम जलो या मर जाओ। मुस्तफा की अजमत पर, इज्जत पैगंबर पर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सब झूम के बोलो, लब चूम के बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत,